के शहसपुर लोहारा विकास खंड अंतर्गत अधिकांश पीडीएस की दुकानों में इन दिनों नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा घटिया क्वालिटी का चावल आम उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई किया गया है, जिससे अब आम उपभोक्ता इस घटिया चावल को लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसके चलते विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच आए दिन विवाद की स्थिति हो रही है। ऐसे में अब सेल्समैन अपनी इस समस्या को लेकर जिला कार्यालय पहुंचे थे, साथ ही उन्होंने नान के द्वारा सप्लाई की गई घटिया स्तर के चावल का नमूना भी अपने साथ लेकर आए थे और संबंधित अधिकारियों को यह दिखाकर संबंधित बातों को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करने के लिए निवेदन किया है। वहीं अब अधिकारी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। और अभी हथलेवा जो वेयर हाउस है उसके माध्यम से खराब चावल दिया जा रहा है, जिससे भी उपभोक्ता लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं कि इस चावल को हम नहीं ले जाएंगे, तो हम लोगों को परेशानी आ रहा है कि जैसे पहले भेजते थे उसी हिसाब से भेजे चावल को अच्छा क्वालिटी में, ताकि उपभोक्ता को उसको परेशानी मत हो। आपने देखा है कि चावल तो श्यामहारा ब्लॉक के विक्रेता है, यहाँ जिला मुख्यालय पहुंचे हैं आवेदन देने के लिए। दिसंबर माह से चावल बहुत ज्यादा खराब जा रहा है, सेवा जहाँ से चावल वितरण का वेयर हाउस वहाँ से खराब चावल पूरा लोहारा ब्लॉक में दे रहे हैं। इसमें ये ग्राही लोग हम लोगों को परेशान करते कि चावल आप लोग मिला के दे रहे हो, खाने लोग खाने के योग्य नहीं है, ऐसे बोलते हैं। एक एक से हम लोग कैसे निपटते हैं दुकान में हम लोग जाने, बहुत ज्यादा दिक्कत है कि चावल खराब होने के कारण यहाँ तक नौबत आता है कि झगड़ा लड़ाई भी हो जाते हैं हम लोग। भाई हमारे घर की तो चावल नहीं है, जो शासन भेजेगा उसको हम वितरण करेंगे। तो हम यही शिकायत लेके यहाँ पहुंचे हैं कि ये चावल को जो खराब गया है उसको गोदाम रिटर्न मंगवाया जाए और उसके बदले में फ्रेश चावल हितग्राही के लिए भेजा जाए। ऐसा जो है कितना